हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों को पता है हम लोग वृंदावन गए थे और ये वीडियो है वृंदावन रहने का सेकेंड दिन का वीडियो। और हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, अभी हम लोग जाएंगे बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए, उसके बाद जाएंगे हम लोग निधिवन। वृंदावन में आप लोग जब आइएगा अपना मोबाइल पर्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से रखिएगा, क्योंकि बंदर इतना सारा है यहाँ पे, मोबाइल निकालने भी डर लगता है क्योंकि लेके जाता है कहाँ से आके आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जितना हम लोग सुना था बांके बिहारी मंदिर के बारे में, उससे भी कई ज़्यादा भीड़ है और मोबाइल भी अलाउ नहीं है कहीं कहीं पे, निकाला भी नहीं। और उसके बाद आए हम लोग निधिवन। निधिवन में हम लोग एंट्री हो गया, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया कि सुबह खुल जाता है और शाम के टाइम ये जल्दी बंद हो जाता है निधिवन का गेट, इसीलिए आप लोग जो आइएगा जल्दी आइएगा क्योंकि शाम के टाइम बंद हो जाता है निधिवन। ये है ललिता कुंड और कृष्ण कन्हैया के साथ जो गोपी थे ललिता बोल के, उसको पानी प्यास लग रही थी और कृष्ण कन्हैया ने यहाँ पे एक कुआ बनाया था, इससे ललिता कुंड बोल के सब लोग जानते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, शायद यहाँ पे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आगे जाके मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ हम लोग देखेंगे। और आप लोग जब आइएगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकाल के आइएगा, क्योंकि हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंदिर बहुत सारा है, गली गली में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घूमते घूमते थक जाता है, कितना घूमेगा लोग। जब भी आएगा आप लोग हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल के आइएगा। और ये है समाधि स्थल, कहाँ जाता है जो लोग निधिवन में छुप के देखने के लिए आए थे, इसके राज जानने के लिए आए थे, तो इन लोगों का अगले दिन लाश मिलता, कोई कोई दिमागी हालत ठीक नहीं होता है और जो मर जाता है उन लोगों को घर का लोग बुला के यहाँ पे समाधि बना के रखता है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग एग्जिट होके जाएंगे, ऐसे बहुत अच्छा लगा है निधिवन घूमने के बाद। लेकिन हम लोग का जो मंदिर है यहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह करने के लिए, तो हम लोग भी नहीं किया, जितना हो सके हम लोग देख लिया और थोड़ा थोड़ा ऐसे वीडियो क्लिप ले लिया जितना हो सके जहाँ पे अलाउ होता है। और अभी हम लोग निकाल के जाएंगे निधिवन से, बहुत अच्छा लगा निधिवन घूमने के बाद, लेकिन थोड़ा सा टाइम और होने से हम लोग का अच्छा होता। अभी हम लोग निकाल के जाएँगे बाहर, उसके बाद जाएंगे हम लोग होटल में, क्योंकि होटल में अभी हम लोग को चेकआउट भी करना है। तो होटल जाने के बाद हम लोग दूसरा जगह जाएंगे, आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे, आप लोग भी मेरे वीडियो में जुड़े रहना। तो आई होप आप लोगों को ये निधिवन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।